आप सभी को जय मसीह की। जितने भाई बहन इस लाइव में जुड़ रहे हैं, परमेश्वर सभी को आशीष दे। और आप सभी कहाँ से मेरा ये लाइव वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। और परमेश्वर जितने भी भाई बहन जुड़ रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी मेरे वीडियोस को देखते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर जो कोई वचन को सुनता है उन्हें आशीष देते हैं। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि जो हम वचन को सुन रहे हैं उसके अनुसार चले भी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है कि वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। तो सभी को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भाई बहन बहुत ही अच्छे होंगे परमेश्वर के अनुग्रह से। परमेश्वर आप सभी को संभाल के रखे। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। बहुत अच्छी बात है कि आप मध्य प्रदेश से देख रहे हैं। जिस भी राज्य से आप देख रहे हैं, इस भारत के किसी भी राज्य से, परमेश्वर आपको आशीष दे। क्योंकि परमेश्वर, आप किसी भी कोने में रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए कार्य करेंगे। आप परमेश्वर से दूर नहीं जा सकते। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करते हैं। आपको लगेगा जब हर कोई पाप करता है तो लगता है कि मुझे तो कोई नहीं देख रहा है, या फिर कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि हमें लगता है कि मैं परमेश्वर से दूर हो चुका हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। उन्होंने वचन में कहा है कि वो आपके बाल पकने के समय तक आपके साथ रहते हैं। तो फिर आप कैसे सोचेंगे कि कोई आपके साथ नहीं है? कोई साथ हो ना हो, परमेश्वर आपके हमेशा साथ है। तो आज वचन सुनने से पहले मैं आपको, ठीक है, आप फिरोजपुर से हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। ओके, यूपी से हैं। हाँ जी, बिल्कुल ब्रदर, परमेश्वर की आंखें हर जगह है। हम मनुष्य को लगेगा कि हम उन्हें देख नहीं सकते, इसका मतलब वो हमें नहीं देख रहे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हर वक्त हमें देखते रहते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग प्रार्थना करेंगे, या फिर और भाई बहनों को जुड़ने देते हैं, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगी। आप लोग भी प्रार्थना करिएगा ताकि आज जो वचन आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं, वो वचन परमेश्वर का जो सामर्थ्य और जीवित वचन है, वो आप लोगों के अंदर कार्य करे और परमेश्वर आपको इस योग्य बनाए कि आप उसके अनुसार चल सके। एक भाई ने पूछा है, वेयर आर यू फ्रॉम? तो मैं न्यू दिल्ली से हूँ। हाँ जी, तो सभी को परमेश्वर आशीष दे, जितने भी भाई बहन जुड़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। तो जी सिस्टर, गॉड ब्लेस यू टू। तो अब मैं एक प्रार्थना करूंगी, आप लोग भी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी इस पवित्र उपस्थिति में आने से पहले अपने हर एक गुनाहों के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जो भाई बहन इस लाइव में जुड़ रहे हैं, आप उन सभी को आशीष दे और उन्हें मन दे, आप उनके मन में बातचीत करें कि वो आपके सामर्थ्य वचनों को सुने और उसके अनुसार चल भी सके। आप उन्हें इस योग्य बनाए, आप उनके जीवन में, आप हर एक व्यक्ति के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करते हैं। इस भाई और बहन के जीवन में भी आप कार्य करें। इनके मन में बहुत सी चिंताएं होंगी, बहुत सी परेशानियां इनके जीवन में होंगी जो अभी इस वक्त है, लेकिन भले ही उन्होंने वो किसी को बताया हो या नहीं हो, लेकिन हे पिता, आप जानते हैं उनकी मन की हर एक बातों को जानते हैं, क्योंकि आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं, आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। आप इनके मन में आप कार्य करें, इनके जीवन में आप कार्य करें और इन्हें प्रार्थना करने का मन दे कि वो अपना मन आपकी ओर लगा सके, आपके वचनों को सुने और उसके अनुसार चल सके। धन्यवाद करती हूँ हे पिता कि आपने हमें सुंदर अवसर दिया। आपका वचन कहता है कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। मेरा ये विश्वास है कि इस वक्त आप यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और आप इन भाई बहनों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेंगे, मेरा ये विश्वास है। धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए और आगे के इस कार्यक्रम को आपके बलवंत हाथों में सौंपती हूँ, क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर आपसे हो सकता है, क्योंकि आप हर असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं, आप हर परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। आज आप इनके जीवन में भी कार्य करें और वचनों के द्वारा आप बातें करें। धन्यवाद करती हूँ पिता हर एक बातों के लिए और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इस प्रार्थना को मैं मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन।
परमेश्वर सभी लोगों को आशीष दे जितने भी भाई बहन इस लाइव में जुड़ रहे हैं। और आप लोग मुझे बता सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपका कमेंट्स देख रही हूँ, कि आप लोगों के अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो इसमें बता दीजिए, ज़रूर आपके लिए मैं प्रार्थना करूँगी। और परमेश्वर हर एक लोगों को छुएंगे, हर प्रॉब्लम से, चाहे कोई बीमारी भी हो, चाहे कोई दुख हो, ये कुछ भी आपके जीवन में हो, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह को इतना सताया गया, यीशु मसीह को मारा गया, उनके साथ जब इतना कुछ हुआ, तो क्या जो व्यक्ति उन पर विश्वास करेगा, क्या उनके साथ नहीं होगा? उनके साथ होगा। तो इसलिए हमें चिंता नहीं करना है, हमें दुख को सहने वाला बनना है। जैसे जब इस यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने हर दुखों को सहा, तो वैसे ही हमें बनना है। अनीता रानी सिस्टर है, उनके लिए भी ज़रूर मैं प्रार्थना करूंगी। सिस्टर आपके लिए, आपकी जो भी तबीयत खराब है, आप बिल्कुल ठीक होंगे। देखिए, परमेश्वर वचन में क्या लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। एक एक कोड़ा जो यीशु मसीह ने हमारे लिए खाया है, उनको इतना मारा गया, उन्होंने जो हमारे लिए अपना कीमती लहू बहाया है, उस कीमती लहू से आज हमारे गुनाह क्षमा होते हैं, हम हर बीमारियों से, हर दुष्ट आत्माओं से आज़ाद होते हैं। जो दुख उन्होंने हमारे लिए सहा था, आज वैसा कोई भी दुख हमारे लिए नहीं सहेगा। इसलिए हम जब इस बात पर विश्वास करते हैं, तो आप ये विश्वास करें कि आप अपनी बीमारी से ठीक हो चुके हैं। अपने मुंह से पॉजिटिव बोलिए। बाकी आपके लिए ज़रूर मैं प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर आपको आशीष दे। सिस्टर, देखिए, कई बार हम सोचते हैं कि जब तक कोई अगला व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना नहीं करेगा, हम ठीक नहीं होंगे। लेकिन देखिए, इसमें दोनों बातें हैं, दोनों बातें होना बहुत ज़रूरी है। आप दूसरों से भी प्रार्थना करवाएं, उन लोग से जो परमेश्वर के अभिषिक्त दास है, ताकि जब वो आपके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि उनका कनेक्शन परमेश्वर के साथ है, तो जब वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हो सकता है कि कुछ ऐसे पाप आपके जीवन में होंगे जिसकी वजह से परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे, तो परमेश्वर ज़रूर उन प्रार्थनाओं को सुनेंगे और तब आप परमेश्वर से कनेक्ट हो पाएंगे। तो कई बार हमें लिखा हुआ है बाइबल में भी कि परमेश्वर के लोगों से प्रार्थना कराना ज़रूरी है, और खुद के लिए भी प्रार्थना करना ज़रूरी है। तो खुद भी प्रार्थना करें। और एक और जगह रोमियो में जब आप वचन पढ़ेंगे, लास्ट अध्याय में लिखा हुआ है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, चाहे वो कोई हमारा विरोधी हो, दुश्मन हो, चाहे उस व्यक्ति ने आपके साथ कितना भी गलत किया, उनके लिए भी आप प्रार्थना करें। परमेश्वर हर एक व्यक्ति से प्यार करता है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने पाप कर दिया है तो वो आपको छोड़ देंगे, नहीं, वो अपना मुंह छिपा लेते हैं, पर वो छोड़ेंगे कभी नहीं आपको। एक जन्म देने वाली माँ आपको छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। एक भाई ने कहा है कि सिस्टर, मैं पाप से बचूं और यीशु मसीह जैसा बनूं। बिल्कुल ब्रदर, देखिए, हमें कोशिश करना है कि हम यीशु मसीह की तरह हमारा स्वभाव हो, क्योंकि वचन में यही लिखा है। हाँ जी, बिल्कुल, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद कहते हैं कि वो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकते हैं। ब्रदर, आप लोग बताइए भी कि मतलब कि आपने कहा है कि प्रेयर कर दीजिए, लेकिन प्रेयर रिक्वेस्ट आप जब बताएंगे तो मैं ज़रूर प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। जितने भाई बहन जुड़ रहे, परमेश्वर सभी को आशीष दे। और आज परमेश्वर का ये जो सामर्थी वचन है, जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, परमेश्वर ने ये हमें ये मौका दिया है कि आज जुड़ पाए एक साथ और परमेश्वर का वचन को आप सुन पाएंगे। ये सब परमेश्वर के अनुग्रह से और दया से ही हो सकता है, अगर उनकी इच्छा नहीं होगी तो ये नहीं हो पाता। इसलिए परमेश्वर का हर बात में धन्यवाद हो। हाँ जी, बिल्कुल, आप सभी देखिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, जरूरी है, चलना जरूरी है। आज हर कोई कह सकता है कि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, लेकिन चलना मुश्किल है। चलना कोई नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के प्रेम को समझेंगे, उनके पीछे हो लेंगे, परमेश्वर आपको सब कुछ देंगे। वचन क्या कहता है कि तुम मेरे धर्म की खोज करो तो तुम्हें वो सब वस्तुएं मिल जाएंगी जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। परमेश्वर हमारे पिता है, वो हमारे मांगने से पहले हमारी हर एक ज़रूरतों को जानते हैं। जिनकी जो भी प्रॉब्लम्स है सभी दूर होंगी।
हाँ जी बिल्कुल, मैं सभी जितने अभी इस लाइव वीडियो को जितने भाई बहन देख रहे हैं, मैं सभी के लिए, एक एक भाई बहन के लिए मैं हमेशा हर रोज प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग प्रभु के रास्ते में आगे बढ़ते जाएं। और हमें यही प्रार्थना करना है एक दूसरे के लिए, हमें दूसरों को देख करके जलन नहीं रखना है कि वो परमेश्वर के रास्ते में ज़्यादा बड़ा काम कर रहा है या कर रही है, वो ज़्यादा आगे है। नहीं, हमारे अंदर ये ईर्ष्या या जलन नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे अंदर एक ऐसा थॉट होना चाहिए, एक ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि अगर वो आगे बढ़ रहा है परमेश्वर के रास्ते में तो वो और ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा आगे बढ़े, ऐसा सोच हमारा होना चाहिए। परमेश्वर अपने आप आगे बढ़ाते हैं, वो सब कुछ करते हैं। तो अब हम वचन की ओर जाएंगे। तो अगर आप लोग के पास बाइबल है तो आप लोग अपने पास भी बाइबल रखना बहुत ज़रूरी है, तो बाइबल आप निकाल सकते हैं। वचन उसमें निर्गमन 20 का 17 आज हम पढ़ेंगे, जिसमें कि 10 आज्ञाएं लिखी हुई है। जो ये 10 आज्ञाएं जो इसमें बताया गया है वो परमेश्वर ने मूसा को दी थी, वही 10 आज्ञाएं हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट कर बताएं कि जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने बताई है बाइबल में, उसमें 10वीं आज्ञा कौन सी है? पहली आज्ञा, दूसरी आज्ञा, तीसरी, तो उसमें से 10वीं आज्ञा कौन सी है? आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकती हैं, फिर उस बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आज परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा बात करेंगे। बिल्कुल ब्रदर, जो एक ब्रदर ने कहा कि परमेश्वर को अपने जीवन में आगे रखो तो सब कुछ हमारे पास आएगा। हमें हमेशा जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना है, और सिर्फ ये बोलना ही नहीं है बल्कि इसको अपने जीवन में वैसा करके भी ये बताना है परमेश्वर को कि हाँ, मैं सचमुच आप पर भरोसा रखता हूँ और मेरा जीवन में पहला स्थान सिर्फ आपका है। बिल्कुल, ऑल इंडिया के लिए, तो सिर्फ इंडिया के लिए हमें प्रार्थना नहीं करना है बल्कि इस दुनिया में जितने भी देश है, राज्य, सभी के लिए हमें प्रार्थना करना होता है। चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना। अच्छा, एक भाई ने आंसर दिया है, वैसे तो वो दूसरी जगह पर लिखा है ब्रदर, वो 7वीं आज्ञा है और 8वीं आज्ञा। 10वीं आज्ञा कौन सी है, कॉमेंट कर बताए। मेरे भाई बहनों, इस वक्त तो इस लाइव वीडियो में मैं अभी आप में से किसी को भी ऐड नहीं कर सकती हूँ, पर मैं जल्द एक और बार लाइव आऊँगी। अब मैं रेगुलरली कोशिश करूँगी, अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो मैं लाइव आऊँगी और आप लोगों के साथ इस तरह से वचन शेयर कर पाऊँगी, अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो, तब मैं आपको ऐड करूँगी और ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करूँगी। परमेश्वर सभी लोगों को आशीष दे। तो एक दो शायद भाई बहनों ने बताया कि 10वीं आज्ञा, आप अभी भी बताइए, मैं आप लोग के लिए थोड़ा वेट कर रही हूँ कि आप लोग बताएं कि 10वीं आज्ञा क्या है, जो मतलब 10 आज्ञा परमेश्वर ने दी उसमें से जो लास्ट कमांडमेंट क्या है। तू लालच ना करना। वचन है ब्रदर 10वीं, निर्गमन 20 का 17 निकालिए, निर्गमन 20 का 17। जो आपने, एक भाई ने लिखा, सुनील ने, 7वां दिन, देखिए विश्राम दिन और ये सब तो 10 आज्ञाओं में से ही है, लेकिन जो लास्ट है वो है, मैं आपको बता देती हूँ, कुछ भाई बहनों को पता है, कुछ को नहीं पता, कोई बात नहीं, हम सभी को सीखना है साथ मिलकर के परमेश्वर के वचन को। तो जो 10वीं आज्ञा में सबसे लास्ट जो 10th कमांडमेंट है वो क्या है, तो किसी के घर का लालच ना करना। मैं इसको एक एक करके पॉइंट्स को समझाऊंगी, यही वाला जो लास्ट आ गया इसी को मैं समझाऊंगी, ठीक है? कोई बात नहीं ब्रदर, जिसका भी पेट दर्द हो रहा है, चाहे कोई भी दर्द हो, सब ठीक होगा। परमेश्वर पर विश्वास करना है, जैसा आपके लिए विश्वास होगा वैसे आपके लिए हो जाएगा। मैं एक और बार बता देना चाहती कि जो लास्ट जो आ गया है वो है तू लालच ना करना। तो उसमें है कि तो किसी के घर का लालच ना करना। आज मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जब दूसरों को देखते हैं कि उसका इतना बड़ा घर बन रहा है, इतना अच्छा घर बन रहा है, तो क्या लालच करते हैं कि काश मेरा भी जमीन हो, मेरा भी जायदाद हो और मेरा भी एक अच्छा सा घर हो। आज लोग इस पृथ्वी में घर बनाने के लिए सोचते हैं। आप ये सोचेंगे कि मैं इस बारे में इस वचन को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये तो एक छोटी सी बात, एक लालच ही तो है। लेकिन आज इंसान
हर एक वचन का पालन कर लेगा, लेकिन ये जो लालच है वो हर किसी के अंदर आ ही जाता है, चाहे किसी चीज़ का हो, किसी भी चीज़ का लालच अगर आपके अंदर है, इसका मतलब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने जो ये 10 आज्ञाएं दी है वो किस लिए दी है? कि हम इसका पालन करें। लोग आज सोचते हैं कि बड़े बड़े पाप के बारे में सिर्फ सोचते हैं कि मैं व्यभिचार तो नहीं कर रहा, या कोई बड़ा पाप, हत्या, ये सब तो मुझसे नहीं हो रहा, इसका मतलब मैं पाप नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक एक छोटी आज्ञा का भी जो बाइबल में दिया हुआ, अगर आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। और जिस तरह से लिखा हुआ है, झूठ को भी कई लोग सोचते हैं कि झूठ ना बोलना। कई बार नीति वचन में लिखा हुआ है कि झूठ झूठ बोलने वाले नष्ट किए जाएंगे। आज लोग झूठ बोलने में आगे है, मतलब एक तरह से जब मर्जी वो झूठ बोल देते हैं, उनके मन में जो आता है वो बोल ही देते हैं, एक तरह से वो अपने मन में स्टोरी बना लेते हैं, झूठ बोल देते हैं। लेकिन एक छोटा सा झूठ, अगर आपने हनन्या और सफीरा की कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, एक छोटे से झूठ से एक मौत भी हो सकती है। मूसा ने 10 आज्ञाएं नहीं दी थी, परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी ब्रदर। तो यही है, इसलिए मैंने इस बारे में बताया कि जो ये लालच है, ये छोटा सा है हमारे अंदर, अगर ये आ गया तो ये कब हमें हमसे पाप करवा देगा वो हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं ये वचन बता रही हूँ ताकि आप कोशिश करें कि आपके अंदर से ये पाप हट जाए। ये कौन सा पाप? एक छोटा सा लालच। ये लालच आपके अंदर से जब दूर होगा तभी आप परमेश्वर के रास्ते में आगे भी बढ़ सकते हैं। अब अगर आप कितना भी प्रार्थना करेंगे, कितना भी वचन आप पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से सिर्फ नहीं होता, उसके अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बताया भी। इसलिए आपको क्या करना है कि लालच को आपके अंदर से ख़त्म करना है। जब अंदर आपके अंदर लालच नहीं होगा तभी आप बढ़ पाएंगे परमेश्वर के रास्ते में। आज बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आते हैं, भाई बहन बोलते हैं कि सिस्टर प्रार्थना करें ताकि मैं परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ूं। आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपके अंदर जो कमी है, आपके अंदर जो बुराइयां है, उसे दूर करना होगा। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपके अंदर से लालच जिस दिन ख़त्म हो जाएगा उस दिन आप परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ पाएंगे। तो हाँ जी सिस्टर, आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। वैसे इस वक्त मैं वचन बता रही हूँ, फिर भी आप बताइए। देखिए, हर कोई कहेगा मुझे सिर्फ ये चाहिए और कुछ नहीं, कहने से नहीं होता है। जो हमारे अंदर, जब तक हमारे अंदर जो कमी है उसे हम दूर नहीं करेंगे अपने आप से, हमारे अंदर से गंदगी जब तक बाहर नहीं निकलेगी, हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र नहीं रख सकते। और जब हम शुद्ध और पवित्र नहीं होंगे तो परमेश्वर के रास्ते में आके कैसे बढ़ पाएंगे। घर का जो लालच के बारे में मैं आपको बता रही थी, आज हर कोई, सबसे ज़्यादा तो ये होता है कि सोशल मीडिया, जो आप फ़ोन यूज़ करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आप क्या देखते हैं? दूसरों के जीवन को देखते हैं। दूसरों के जीवन को देखने के बाद आपके मन में ये आता है कि अगर उसके पास ये है, अगर उसने घर, एक अच्छा घर लिया हुआ है, उसके पास इतना पैसा है और उससे उसने घर खरीदा है, घर बनाया है, अच्छा गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, तो ये मेरे पास भी क्यों ना हो। तो घर का लालच तो आज हर व्यक्ति करता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति घर इस पृथ्वी में बनाना चाहते हैं। लेकिन कभी कोई ये नहीं सोच सकता कि हमें इस पृथ्वी में घर नहीं बनाना है, हमें घर बनाना है स्वर्ग में, हमारा स्वर्ग में घर है। हमें मेहनत करना है, तैयारी करना है कि हम वहां पर घर बनाए, वहां पर रह सके। क्योंकि इस पृथ्वी में अगर आप घर बनाएंगे तो ये तो बाढ़ आएगा, तूफान आएगा, जितने भी जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, जब वो आएगा तो ये सब तो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो घर आपका स्वर्ग में होगा उसे कोई खत्म नहीं कर सकता है। हमें वहां घर बनाने के लिए काम करना है, इस पृथ्वी में नहीं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब हम इस बारे में सोचेंगे कि हम लोग घर का लालच क्यों करें, एक ऐसी चीज जो खत्म की जा सकती है। इस पृथ्वी में किसी भी वस्तु का लालच आपको नहीं करना, आगे वचन में ये भी लिखा है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आगे लिखा है कि ना तो किसी की स्त्री का लालच करना। वचन कहता है, आप लोग वचन भी निकालिएगा, निर्गमन 20:17, जिन्होंने अभी नए जुड़े लाइव में, ठीक है। तो लिखा है कि तू किसी के स्त्री का लालच ना करना। अब स्त्री का लालच लोग कैसे करेंगे? दूसरों को देखते हैं कि परमेश्वर, आप सभी जानते कि परमेश्वर ने स्त्री को बहुत सुंदर बनाया, हम सबको बहुत सुंदर बनाया। लेकिन लालच कब आ जाता है? जब हम ये देखते हैं कि वो जो स्त्री है वो बहुत सुंदर है,
वो बहुत सुंदर है, काश जो मेरी पत्नी है वो भी उसी की तरह सुंदर हो। मेरी पत्नी तो मोटी है, काली है, गोरी है, ऐसा सोचते हैं कि वो दूसरों की तरह हो। तो ये क्या हो रहा है, ये तो लालच ही आ रहा है कि हम दूसरों के स्त्री का लालच कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसमें हम खुश नहीं है, पर हम क्या कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं। ये भी एक लालच है। जब वचन साफ कहता है कि तू किसी स्त्री का लालच ना करना, तो फिर हम क्यों ये करेंगे। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किसी से भी मन में ये नहीं होना चाहिए, ऐसा स्वभाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हर एक लोगों को सुंदर बनाते हैं, इसलिए हमें क्यों ऐसा चीज हमारे अंदर आए। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर सभी को आशीष दे, सभी मसीह भाई बहनों को। तो आप लोगों को मैं आशा करती हूँ कि वचन जो मैं बता रही आप समझ पा रहे हैं कि हमें किसी भी चीज का लालच नहीं करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ये लालच है, जो घर के लालच के बारे में अभी मैंने दो पॉइंट समझाया। पहला, घर का लालच नहीं करना है, किसी के भी स्त्री का लालच नहीं करना है। ये जो घर का लालच है, इससे अगर हम करते हैं तो इससे क्या होगा, ये सारे जो लालच हमारे अंदर जब आ जाता है तो ये पाप को जन्म देती है। एक तरह से हम, शैतान हमें पाप में गिरा देता है। घर का लालच करेंगे हम लोग, जब दूसरे को देख करके घर बनाएंगे, ये सारी चीज़ें पैसे से जुड़ी हुई होती है, प्रॉपर्टी, ये सब धन दौलत, और जहाँ पर पैसा होगा लालच तो हो गई। तो इसलिए ये सारी चीज़ें फिर हम लोग के मन में क्या आता है, उसके पास ज़मीन है तो उससे ज़मीन लेने के लिए मैं उसका मर्डर कर देता हूँ तो वो मुझे मिल जाएगा। उसके लिए फिर आपको झूठ भी बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने, जहाँ पर आपके अंदर लालच आया, आप पाप में गिर जाएंगे। शैतान आपको गिरा देगा क्योंकि उसको पता चलेगा आपके अंदर घर का लालच है। दूसरा है, हाँ जी, जरूर प्रार्थना करूंगी, जितने भी प्रेयर्स के लिए आप लोग बोल रहे हैं मैं जरूर आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगी। कर्जा से मुक्त होना चाहते हैं सिस्टर, सिस्टर हैं ब्रदर, अभी तो मुझे नहीं पता, तो जो भी है, देखिए कर्जे को लेकर के परेशानी है, आप बिल्कुल दूर होंगे। आप वचन पढ़े यशाया 45 का 3 में आप पढ़िएगा, और उस वचन को आपको डेली रीड करना है। उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे और आपको कर्जे से भी आजाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। सारी आदर महिमा परमेश्वर को मिले। तो दूसरा जो मैंने बताया कि किसी भी स्त्री का लालच नहीं करना है, अब इसमें कैसे पाप हो जाएगा, अगर हमारे अंदर किसी स्त्री को लेकर के लालच आ जाता है कि अगर वो इतनी सुंदर है तो मेरी पत्नी भी इतनी सुंदर हो, वो भी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। लेकिन हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि उन्होंने जैसा दिया है हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि वो हमेशा हमारी उम्मीद से, हमारी सोच से बढ़ करके देते हैं परमेश्वर। तो अगर हम ऐसा लालच करते हैं तो क्या होगा, कई बार हम सोचेंगे कि जो ये सोच रहे कि मेरी पत्नी भी ऐसी हो वैसी हो, लालच कर रहे हैं, पाप में कैसे गिरेंगे, कि हम जो हम प्रेम हमें अपनी पत्नी से रखना चाहिए वो नहीं रखेंगे। हमारे अंदर फिर क्या होगा, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, झूठ बोलना पड़ जाएगा कई बातों को लेकर के। और ये सारी चीज़ें जब हम किसी स्त्री का लालच करेंगे, ये सारी चीज़ें जब हमारे अंदर होगी तो व्यभिचार में हम गिर जाएंगे। शैतान क्या करेगा, व्यभिचार में गिरा देगा। तो यही है कि किसी भी चीज़ का आप लालच करेंगे तो पाप में गिरेंगे। ये लालच एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये आपको ऐसे जगह पर लेकर जा सकती है जहाँ पर आप सोचे भी नहीं होंगे, उस अनंत आग में। वो अनंत आग, वो अनंत पीड़ा जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, वहाँ की आग कभी भी नहीं बुझती है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर सभी को आशीष दे। तो दो पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तीसरा जो है लिखा है, आप वचन पढ़िए क्या लिखा है, निर्गमन 20:17 में ही उसी लाइन में आगे लिखा है, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का। अब यहाँ पर तो इस किसी जानवर के लालच के बारे में नहीं बताया गया, कि पुराने समय में आपको देखना है क्या होता था कि बार्टर सिस्टम चलता था, और ब्रदर आप यहाँ पर नंबर शेयर मत करिए, और बार्टर सिस्टम चलता था पुराने समय में। मतलब क्या होता था कि जानवर या किसी भी वस्तु के बदले में आपको कोई सामान मिल सकता है। जैसे अगर आप अपना गाय दे रहे हैं किसी को, तो उसके बदले में आपको कपड़ा मिलेगा। ऐसा चलता था पुराने समय में, तो इसलिए इस तरह से बिजनेस सब काम होता था। आज के समय में पैसे से सब कुछ होता है, बिजनेस चलता है, जॉब चलता है। तो यहाँ पर आता है कि बिजनेस या किसी के जॉब का भी लालच नहीं करना है। आज लोग दूसरे को देख करके सोचते हैं कि वो विदेश जा रहा है तो मुझे भी जाना चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, बहुत पैसा कमाना है। लेकिन हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि हम परमेश्वर से दूर हो जाए।
अगर हम आज बहुत से भाई बहन ये भी कहते हैं कि मैं परमेश्वर को समय कैसे दूँ क्योंकि मैं तो जॉब करता हूँ, लेकिन नहीं, हमें ऐसा काम भी नहीं करना है जिसमें कि हम परमेश्वर को कोई समय ना दे पाए। ऐसा काम करें जिसमें कि हम हर वक्त परमेश्वर की स्तुति महिमा कर पाए, क्योंकि वचन क्या कहता है कि चाहे तुम खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। कैसा भी जॉब परमेश्वर ने आपको दिया हो उसमें आप संतुष्ट रहे, खुश रहे, परमेश्वर की महिमा स्तुति करते रहे। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को दूसरों को देख करके बिल्कुल भी लालच नहीं करना है कि उनके जीवन में परमेश्वर ने कोई आशीष दी है, वो फौरन जाकर के काम कर रहा है, कोई बिजनेस चला रहा है, कोई बड़ा बिजनेस है, तो दूसरे को देख करके हम क्या सोचेंगे कि हमारे पास भी ये हो। इसलिए लोग आज ज़्यादातर, अच्छी बात है कि प्रेयर के लिए आप बोलते हैं कि जॉब लग जाए, आपको लगेगी अगर आप उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे तो, क्योंकि हमें जो कुछ करना है हमें ये देखना है कि क्या हमारे बातों से परमेश्वर को महिमा मिल रही है, क्या हमारे कामों से, हमारे सोच विचार से, हर तरह से क्या परमेश्वर को महिमा मिल रही है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। तो आगे लिखा है हमारे अंदर, मैं एक और चीज़ इसमें बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे अंदर कोई बिजनेस को लेकर के ये सारी चीज़ें होंगी, जॉब को लेकर के, आप सोचिए अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जो पूरे 24 घंटे आप अपने काम में बिजी है, क्या आप परमेश्वर को समय दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे। आपने ये काम क्यों चुना? लालच में आकर के। अगर देखिए, मैं इस बार में ऐसा नहीं बता रही हूँ कि आप जॉब ना करें, बिजनेस नहीं करें, कर सकते हैं, लेकिन उससे परमेश्वर की महिमा हो, उन बातों के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद कर पाए, परमेश्वर को समय दे पाए, परमेश्वर से जुड़े रह सके। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाए। तो यही सारी चीजें ऐसी है कि जो हमें पाप में गिरा सकती है। लालच बिल्कुल भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। छह महीनों से कोई जॉब नहीं है ब्रदर, कोई बात नहीं, आपके लिए प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, लेकिन बस आपको क्या करना है, देखिए आप अगर कुछ भी पाना चाहते हैं, जॉब हो, नौकरी हो, बीमारी से फ्री होना चाहते हो, कुछ भी, आप परमेश्वर को अपना समय दें, परमेश्वर आपको सब कुछ देंगे। उन्होंने इसलिए कहा है कि तुम मेरे धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। डाइवोर्स कैंसल हो जाए इसके लिए प्रार्थना करें। अच्छा देखिए सिस्टर, परमेश्वर ने पति और पत्नी को बनाया है और वचन कहता है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। ज़रूर प्रार्थना करूंगी, पर देखिए आप भी प्रार्थना करें, परमेश्वर सब कुछ अच्छा करेंगे। इस बात का हमें बस ध्यान रखना है कि अगर आपके जीवन में इस वक्त कैसी भी परिस्थिति है, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है, क्योंकि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानियां नहीं आए तो परमेश्वर के रास्ते में कैसे बढ़ पाएंगे? परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा, परमेश्वर को भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा प्रेम हमें परमेश्वर से नहीं करना है। मैं फोर्थ पॉइंट बताना चाहती हूँ। पहला आपको मैंने बताया, आप बहुत परेशान हैं ब्रदर, आपने कहा कि आपका नेहा चौरसिया, ठीक है सिस्टर, देखिए आपने जो कहा कि आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि यीशु मसीह को जाकर अपना दुख सुनाए, तो यही तो वो चाहते हैं, क्योंकि वो आपके बेस्ट फ्रेंड है। जिस तरह से आज इस संसार में हम जिनको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं उन सारी बातें हमें शेयर करते हैं, तो यीशु मसीह तो हमारे बेस्ट फ्रेंड है, क्यों हम उनके साथ प्रार्थना में ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाते? क्योंकि हम एक फॉर्मेलिटी की तरह प्रार्थना करते हैं कि बस हमें इस वक्त करना है ख़त्म। इस तरह से नहीं, प्रार्थना करना, परमेश्वर से बातें करना है, आपके मन में जो बातें हैं वो आप परमेश्वर के साथ शेयर करें, दुख हो सुख हो सब कुछ परमेश्वर को बताएं, अपने मन की बातें खोल कर परमेश्वर से कहें। हाँ जी बिल्कुल ब्रदर, किसी वस्तु का लालच नहीं करना है। सिस्टर आप एक और बार वो क्वेश्चन पूछिए क्योंकि ये शायद मैसेज ऊपर चला गया है। गॉड ब्लेस यू टू ब्रदर, जितने भी भाई बहन जुड़ रहे हैं परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आप सबको बहुत आगे बढ़ाए कि आप परमेश्वर के रास्ते में आपकी आत्मिक उन्नति होने पाए। कर्जे के लिए ज़रूर प्रार्थना करूंगी। यशाया 45 का 3 पढ़े आप। अब जो मैंने बताया आप सबको कि पहला किसी के घर का लालच नहीं करना है, किसी की स्त्री का लालच नहीं करना है,
इस लाइव वीडियो को मैं शेयर कर दूंगी तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं। अगर आप आधा से देख रहे हैं तो शायद हो सकता है आपको समझ ना आए, लेकिन कोशिश करूंगी कि वो सारी चीज़ों को मैं दोबारा बताऊं। और तीसरा है कि बिजनेस, जॉब, ये सब का भी हमें अंदर लालच नहीं होना चाहिए। आगे लिखा है वचन में, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। जब परमेश्वर ने साफ वचन में कह दिया कि हमारे अंदर किसी वस्तु का भी लालच नहीं होना चाहिए, वस्तु मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि जैसे कि अगर ये एक पेन है और आप सब इमेजिन करिए कि ये पेन बहुत ही अच्छा चलता है, इसे बहुत अच्छी हैंडराइटिंग आपकी हो सकती है, लेकिन अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, जो भी आप काम करते हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ को लेकर के सोचेंगे कि ये बहुत अच्छा है, दूसरे के पास ये है तो काश मेरे पास भी ये मिल जाता, एक छोटी सी वस्तु का आपने लालच कर लिया, इसका मतलब क्या है? आपके अंदर वो लालच तो आ गया, इसके प्रति, इसी भी चीज़ के प्रति आपको लालच नहीं करना है, बस ये कहने का मतलब है। चाहे वो छोटी सी चीज़ का, और लालच ज़्यादातर आजकल लोग पैसे को लेकर के, खाना को लेकर के करते हैं कि इतना अच्छा वो खाना खा रहे हैं तो मेरे पास भी ऐसा खाना हो, परमेश्वर मुझे भी दे। परमेश्वर देंगे क्योंकि वो सब कुछ देते हैं, लेकिन लालच नहीं करना है, परमेश्वर देंगे। प्रिया सिस्टर, आपने कहा है कि मेरे जीवन में हमेशा दुख है, कभी सुख नहीं। देखिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ, और निशा सिस्टर आपकी मम्मी के लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगी, पर बताइए क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है। देखिए आपने, जिन्होंने भी कहा है कि मेरे जीवन में दुख है, दुख ही दुख है, वचन क्या कहता है? भजन संहिता में जब आप पढ़ेंगे, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। आज आप सोचिए, जितने भाई बहन इसमें जुड़े, आप जरा सोचिए कि अगर आपके जीवन में जो इस वक्त दुख है वो नहीं होता, जिस दुख से आप गुजर कर आए, अगर वो आपके जीवन में नहीं आता, क्या आप परमेश्वर के नाम को जान पाते? क्या परमेश्वर के जो वचन है उसको आप जान पाते? नहीं जान पाते। आप परमेश्वर के प्रेम को कभी समझ नहीं पाते। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आपके लिए इसलिए होती है आपके जीवन में, ताकि आप उनके पास आ सके। ठीक है सिस्टर, रानी सिस्टर को गुप्त बीमारी है, कोई बात नहीं, हर परेशानी से परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे, आज़ाद करेंगे, विश्वास करें आप। विश्वास के साथ देखिए कर्म करना भी बहुत ज़रूरी है, दोनों चीज़ होना ज़रूरी है, यदि कि सिर्फ आप विश्वास करें, कर्म भी करना है। ठीक है सिस्टर, तो यहाँ पर जो चार बातें लिखी गई है, हाँ, तो यहाँ पर जो चार बातें बताया मैंने अभी, स्त्री का लालच नहीं, घर का लालच नहीं, जॉब, बिजनेस, किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना है। अब कुछ भाई बहन मुझसे बोलेंगे कि मैंने सिर्फ लालच के बारे में तो बता दिया, लेकिन ये कैसे हो सकता है हमसे? क्योंकि हमारे अंदर तो ये लालच है, पर ये दूर, हमारे अंदर से ये लालच दूर कब होगा, कैसे होगा? तो मैं आपको बताती हूँ, एक वचन आप निकालिएगा अगर आपके पास बाइबल है इस वक्त तो। मरकुस 10 का 29 आप निकालें, और वचन में क्या लिखा है आपको ये समझना है। मरकुस 10 का 29, गॉड ब्लेस यू टू सिस्टर। मरकुस 10 का 29 में लिखा है, ये वचन आपको मैं किस लिए बता रही हूँ, ताकि इससे आप जाने कि हमारे अंदर अगर लालच है तो वो दूर कैसा हो, कैसे होगा, उसी का आंसर यहाँ पर है। तो मरकुस 10 का 29 में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो। क्या आप ऐसा कर सकते हैं परमेश्वर के लिए? परमेश्वर के पीछे चलने के लिए आपको अपना घर, जायदाद, जमीन, जो कुछ भी है, सब कुछ छोड़ करके आपको परमेश्वर के पीछे चलना पड़ता है। अब अगर आपके पास, आपके घर में जितने भी लोग हैं, क्या आप उन्हें छोड़ने के लिए तैयार होंगे? जब आप सारी चीजों को छोड़ देंगे कि नहीं, अब मुझे खुद के लिए नहीं जीना है पर परमेश्वर के लिए, जब आपके अंदर जिस दिन ये सोच आ जाएगा, ये मन आपका इस तरह से होगा कि अब मुझे सब कुछ क्या करना है, परमेश्वर के लिए करना है, उस दिन आप देखेंगे कि जब आप सब कुछ को छोड़ देंगे
क्योंकि वचन में साफ लिखा हुआ है और एक और जगह बाइबल में लिखा है कि सब कुछ हमें छोड़ करके, चाहे हमारे ऊपर कितना भी सताव हो, कितना भी दुख हो, ये सब को सह करके जब हम आगे बढ़ेंगे, अपना प्रतिदिन अपना क्रूस उठा करके परमेश्वर के पीछे हो लेंगे, तभी हम परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब हमने सब कुछ को छोड़ दिया, जब हमारे पास ना घर है, ना परिवार है, ना ही एक अच्छा कुछ भी नहीं है खाने पीने, जब परमेश्वर देंगे, ऐसा नहीं है परमेश्वर हमें भूखा छोड़ देंगे, वो सब कुछ देंगे, लेकिन जब हम इन सबको छोड़ करके एक तरह से सब चीज़ों से जो छोड़ने के लिए परमेश्वर ने कहा सबको करके जब हम यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे, तो हमारे पास ऐसा क्या बचा जिससे कि हमारे अंदर लालच आए? कुछ भी नहीं। क्योंकि हमने, आप देखेंगे बाइबल में जब नया नियम में पढ़ेंगे, यीशु मसीह के जितने चेले थे वो सब कुछ, अपना सब कुछ छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे चले। इसलिए हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है यीशु मसीह के लिए, और ऐसा वही लोग कर पाएंगे जो लोग परमेश्वर जिनको चाहेंगे वो ऐसा कर पाए, परमेश्वर ही। क्योंकि देखिए आप ये बोलेंगे ये भी मुझसे नहीं हो सकता, लेकिन वचन क्या कहता है, इसी के ऊपर लिखा हुआ है, आप वचन में पढ़े, मरकुस 10 का 27 में ही लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपसे ये नहीं हो पाएगा लेकिन परमेश्वर से तो हो सकता है। पर अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सोचेंगे कि ये मैं नहीं करूंगा, आपको करना है, कोशिश करना है, बाकी आगे बढ़ाने वाले परमेश्वर है। सभी को परमेश्वर आशीष दे, जिनके जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर सभी को आगे बढ़ाएंगे और सभी की आत्मिक उन्नति हो। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, किसी से कोई बैर भाव, किसी से कोई लालच, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, ईर्ष्या जलन कुछ भी नहीं। तो आपको आशा करती है कि समझ में आ गया होगा कि हमारे अंदर से लालच कब दूर होगा, जब हम खुद के लिए नहीं करेंगे सिर्फ परमेश्वर के लिए करेंगे, और सब कुछ जब उनके लिए छोड़ देंगे, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो किस चीज़ का लालच होगा। आप इस चीज़ को सोचिए, जब हम अपने शरीर की नहीं सुन रहे, अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरी नहीं कर रहे हैं, जो भी शरीर की इच्छाएं हैं उसको पूरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि परमेश्वर के लिए जो अच्छा है वो अगर कर रहे हैं, अगर हम अपने शरीर की नहीं सुन करके आत्मा की सुन रहे उसके लिए कर रहे हैं, तो हमारे अंदर लालच नहीं होगा। क्योंकि शरीर की अभिलाषाएं क्या होती है, अच्छा खाना खाना, अच्छा पहनना ओढ़ना, ये सब जब हम भूल जाएंगे, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे सारी चीज़ें, हमारे अंदर से लालच भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सबसे मेन यही है। और जब लालच ख़त्म होगा हमारे अंदर से पाप दूर होगा, हम पाप से भी बचेंगे। आज लोग सोचते हैं कि पाप से कैसे बचे, पाप तो हो जाता है, पाप तो सबसे होता है, ऐसा कोई पृथ्वी में नहीं है जिसने पाप ना किया, लेकिन हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। वचन कहता है कि अपने शरीर को मार कूट के वश में लाना है। शरीर तो कहेगा कि 4 रोटी खा लो 10 रोटी खा लो, लेकिन हमें शरीर की नहीं सुनना है, हमें क्या करना है, आत्मा। चाहे देखिए, अगर आप एग्जांपल के तौर पे आपको समझाती हूँ, अगर 4 रोटी खाने के लिए आपका मन करा, आप 2 ही खाएं, बाइबल में भी यही बताता है, नीति वचन में जब आप पढ़ेंगे तो। हाँ जी बिल्कुल सही, कुछ भी हो सबसे पहले हमें जीसस के लिए टाइम देना है, आपने सही कहा, जब हम अपने जीवन में पहला स्थान देंगे तो सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए पूरा करेंगे। तो परमेश्वर सभी को आशीष दे, और आप बता सकते हैं अगर कुछ आपको बोलना है, कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट जिनके भी है तो आप मुझे बताएं। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये जो अभी वचन आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, सबसे पहले आप बताएं कि इस वचन से आपको क्या क्या सीखने को मिला है, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि जितने भाई बहनों ने ये वचन आज सुना है, निर्गमन 20:17, Luke 10:29, इसमें जितनी लिखी हुई बातें हैं, आपको इस वचन से क्या सीखने को मिला आप मुझे बताएं, उसके बाद इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल ब्रदर या सिस्टर जो भी थे, ज़रूर गाना आराधना गाएंगे अभी, क्योंकि परमेश्वर की स्तुति महिमा तो हमेशा करते रहना, ऐसा नहीं कि हम स्पेसिफिकली जब हम चर्च जाएंगे तभी हमें परमेश्वर की आराधना करना है, सिर्फ एक दिन परमेश्वर ने उस दिन को पवित्र ठहराया है, लेकिन हर दिन नए नियम के हिसाब से हमें देखना है कि हर दिन हमें परमेश्वर की महिमा करना है, हर एक घंटा, हर एक मिनट, हर एक सेकेंड हमें परमेश्वर को देना है उनकी स्तुति महिमा करते हुए।
बिल्कुल सिस्टर, रानू सिस्टर ने कहा है कि हमें लालच नहीं करना है, हमें किसी बात का, हमें किसी चीज़ का लालच नहीं करना है। बिल्कुल यस ब्रदर, तो किसी भी चीज़ का हमें लालच नहीं करना है, और ये पॉसिबल तभी होगा जब हम सब कुछ अपना छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलेंगे, प्रतिदिन क्रूस उठा करके। अब अगर आप सोचेंगे कि आसानी से आप परमेश्वर के रास्ते में चल पाए, कोई प्रॉब्लम ही ना आए, तो ऐसा तो नहीं होगा। अगर आप सचमुच प्रॉब्लम्स को झेलना नहीं चाहते, उसे उसका सामना नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर के साथ, उनके रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको दुख उठाना ही पड़ेगा, सब कुछ आपको छोड़ना ही पड़ेगा। यस ब्रदर, मुझे सुन के सभी भाई बहनों का अच्छा लगा कि आप सबको समझ में आ गया वचन आज का। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और प्रार्थना करिएगा आप लोग भी कि अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो मैं इसी तरह से हर हफ्ते कम से कम एक दो बार लाइव आऊं, ताकि आप लोगों के साथ इस तरह से वचन शेयर कर सकूं। ज़रूर सभी के फैमिलीज के लिए भी मैं प्रार्थना करूंगी। ठीक है ब्रदर, मैं आपके दादाजी के लिए भी प्रार्थना करूंगी, जो वो बीमार हैं, वो बिल्कुल ठीक होंगे। जी ब्रदर, बहुत खुशी हुई कि आप लोग वचन को सुने। परमेश्वर जितनों ने भी आज इस वचन को सुना है, सभी को भरपूरी से आशीष देंगे और आप लोगों के जीवन में कार्य करेंगे। चलिए ठीक है, मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन के लिए। धन्यवाद पिता कि आपने इस योग्य बनाया और हमें इस समय दिया, ये सुंदर समय दिया कि आपके इस पवित्र उपस्थिति में आकर के वचन को बता पाए। और आपने जो मुझ में होकर के इन लोगों से, मसीह भाई बहनों से जो बातें किया है, इनके जीवन में हर एक वचन आपका पूरा होने पाए, क्योंकि आपका वचन सामर्थ्य है, जीवित और प्रबल है। आपका वचन दोधारी तलवार है जो गांठ गांठ को और गूदे गूदे को छेद करता है। आपका ये वचन इन सभी लोगों के अंदर छेद करके कार्य करे, ये वचन इनके जीवन में पूरा होने पाए, कि इनके अंदर से जो भी लालच है, जो इनके अंदर बुराइयां है, जो कुछ भी गंदगी, वो दूर होने पाए, वो खत्म होने पाए। इनके जीवन में जो कुछ भी है, वो सब कुछ जो परमेश्वर से इन्हें दूर करता है, जो लोग इन्हें परमेश्वर से दूर करते हैं, उनसे वो बचे। आप इन्हें बचा करके रखें, रक्षा रखवाली करें, ऐसी चीज़ों से ये बचे रहे, ताकि आपके रास्ते में आगे बढ़ सके, आपकी स्तुति महिमा कर सके, इनकी आत्मिक उन्नति होने पाए। जो कोई भी शैतानी ताकत, जो भी अंधकार की शक्तियां इन्हें परमेश्वर आपके रास्ते में आगे बढ़ने से रोक रही है, रुकावटें डाल रही है किसी भी तरह से, चाहे पैसे को लेकर के समस्या हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, वो सब इनका दूर होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। आज आप इनके जीवन में कार्य करें, इनके मनों में बातचीत करें, और उन्हें इस योग्य बनाएं कि वो आपके वचनों का पालन कर सके, इनके अंदर से लालच खत्म होने पाए और आपका प्रेम इनके अंदर प्रकट होने पाए, कि आपके वचनों के अनुसार चल पाए, आपकी इच्छा पूरी करने पाए, हमारी नहीं परंतु हे पिता आपकी इच्छा पूरी होने पाए। अपना सब कुछ छोड़ करके हम अपने आपके पीछे चले, शरीर की ना सुने परंतु आत्मा की सुने, इस योग्य आप हमें बनाएं और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। सब कुछ को आपके बलवंत हाथों में सौंपती हूँ। जितने भाई बहन आज इनकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट इन्होंने बताया है, जिन किसी के घरों में जो परेशानी चल रही है इस वक्त, या कोई भी बीमारी इनके शरीर में है, इनके परिवार में जो कोई बीमार है, आप इन्हें छुए और आज़ाद करें, क्योंकि आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। आपने बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, आपने कई तरह के अद्भुत काम किए, क्योंकि आपके नाम में ही सामर्थ है। और यीशु मसीह आपके नाम में जो सामर्थ है, आपके सामर्थ ही नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज हर एक व्यक्ति जो इनकी परेशानी है जीवन में, वो दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक तरह से वो आज़ाद होने पाए। आप इन्हें छुड़ाए और आज़ाद करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। तो खुशी है कि सब लोग आज इस वचन को सुने, और मेरा विश्वास है कि आज ये जो वचन है, इस बहुत, देखिए वचन क्या कहता है, जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की है कि हमें सब कुछ यीशु मसीह के लिए छोड़ करके उनके पीछे चलना है, लेकिन ये हर कोई नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज हमारे जीवन में, देखिए वचन मैं आपको बताती हूँ, बाइबल जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आज हर कोई व्यक्ति विश्वास करेगा, हर कोई अपने गुनाह के लिए क्षमा मांगेंगे, मन फिराएंगे, सब कुछ करेंगे,
बुलाए हुए बहुत हैं। मन फिराना हमें पापों से ताकि हम परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़े, उनके रास्ते में चले। लेकिन जो चुने हुए हैं, जो परमेश्वर के जो एक स्पेशल लोग होते हैं, वो बहुत कम हैं। क्यों? क्योंकि आज कोई अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे नहीं चलना चाहता। वो अपना सिर्फ जीवन में देखता है कि मेरे जीवन में ये परेशानी है, ये दुख है, तो फिर मैं कैसे आगे बढ़ूँ। ये परेशानियाँ, ये दुख परमेश्वर आपको जीवन में इसलिए देते हैं ताकि आप इन्हें सहे और इन्हें आगे बढ़ाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रांग बनाती है। एक ब्रदर ने पूछा है कि मैं कहाँ से हूँ। मैं न्यू दिल्ली से हूँ और पूछिए आप जो भी पूछना चाहते हैं, मैं बताऊँगी। तो यही है कि हमें सब कुछ छोड़ करके वही, देखिए अगर हम परमेश्वर ने क्या कहा है, सब लोग कहते हैं कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उन्होंने तो हमसे प्रेम किया यीशु मसीह ने, लेकिन हम कब उनसे प्रेम रख पाएंगे? जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। यूहन्ना 14:13 में लिखा हुआ है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि इसी तरह से हम उनकी उनसे प्रेम रख पाएंगे। बिल्कुल, एक ब्रदर ने कहा है कि परमेश्वर के राज्य में वही प्रवेश करेगा जो परमेश्वर के सिखाए हुए वचनों पर चलेगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, अगर उनके बताए हुए वचनों के अनुसार जो उन्होंने आज्ञा दी उसका पालन करते हैं, तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। लेकिन अपनी इच्छा पूरी नहीं करना है, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। एक ने पूछा आमोद लकड़ा, मैं बाइबल स्टूडेंट नहीं हूँ क्योंकि मैं बाइबल स्टडी नहीं की। एक सिस्टर ने कहा है कि बाइबल संगति लेना था। देखिए मैं इसी तरह से आपको पर्सनली, तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ भाई बहनों के मैसेजेस का रिप्लाई करूँ, जो भी उनकी परेशानी मैंने बताती हूँ, शायद आप लोग का नहीं बताई होंगी तो। लेकिन आप लोग इस तरह से अगर मैं लाइव आती हूँ, आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह से मैं आपको वचन शेयर करूँगी। प्रार्थना करिएगा कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। ज़रूर प्रेयर करूँगी। बहुत अच्छी बात है कि आप भी न्यू दिल्ली से हैं। क्या लिखा है आपने? दीदी मैं दूसरे लोगों की बुरी बुरी सपना देखता हूँ, जैसे उनकी तबीयत खराब होना या फिर उनके डेथ। देखिए अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, ये सभी अच्छा सपना नहीं है। किसी मृत व्यक्ति को देखना जो इस पृथ्वी पर अब है नहीं, उसका शरीर मिट्टी में मिल चुका है, ये सब भी शैतान की ओर से होता है। पर हमें सपने को समझना है। अगर वो शैतान की ओर से है तो उसके लिए प्रार्थना करना है। शैतान सपने के द्वारा काम करता है। अगर हम उसे कैंसिल नहीं करेंगे यीशु मसीह के नाम से, तो वो बीज वो करके चला जाता है। वो बीज बड़ा होगा, शैतान का अटैक हमारे जीवन में होगा। तो बुरे सपने आते हैं, आप उसके लिए प्रार्थना करें, और अच्छे सपने के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर की जो इच्छा है, जो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, चाहते कि आप उस तरह से चले, वो आपके जीवन में पूरा होने पाए। एक ब्रदर ने, विजय ब्रदर ने कहा है कि आपका परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगता। देखिए जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से तो हो सकता है। कई चीज़ें ऐसी है जो हम नहीं कर सकते, कई चीज़ें ऐसी होती है और हम लोग को लगता भी कि इम्पॉसिबल, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन परमेश्वर से तो हो पाएगा, वो सब कुछ हो सकता है। लेकिन जब हम, वही मैंने बताया ना, आप देखिए इस वचन को, जब आप एक ही वचन जो मरकुस 17 में लिखा है, 17:29 में, जब आप इस वचन को पूरे खराई के साथ और सच्चाई से इसका पालन करेंगे कि सब कुछ, अपना खेत, अपने भाई बहन, जमीन जायदाद, पैसा, जो कुछ है, सब कुछ छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे आएंगे, आपके जीवन में कोई कमी घटी कभी नहीं होगी। परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहते हैं। इस पृथ्वी में घर बना करके, वही मैंने ये चीज़ बताया कि इस पृथ्वी में घर बना करके हमें कुछ भी नहीं मिलना है। ये सब सारी चीज़ें जो है ये टेम्पररी है, ये अस्थाई है, ये ख़त्म हो जाएगा। पर वो शांति, वो प्रेम, वो आनंद जो परमेश्वर हमें देते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होता। कोई बात नहीं, आप ब्रदर नहीं है, सिस्टर है। देखिए मुझे इस तरह से तो पता नहीं चल पा रहा है कि कौन ब्रदर है या सिस्टर, लेकिन जो भी है, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, प्रभु आपको भी आशीष दे। एक ने कहा है कि सिस्टर मेरी दीदी के लिए प्रार्थना करे, बेटा हो। देखिए बेटा हो चाहे बेटी हो, ये तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही होता है।
बाकी ये है कि बांज को परमेश्वर वचन में कहते हैं कि लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाते हैं। आप परमेश्वर पर सब छोड़ दीजिए और बस हमें देखिए प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, जो कुछ मन में आप परमेश्वर से मांगते हैं बोलते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि क्या जो हम प्रार्थना में मांग रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम कुछ मांगेंगे वो हमें देंगे, तो उनकी महिमा के लिए होगा तभी वो देंगे। अपनी इच्छा से कि सिर्फ हमारी इच्छाएं पूरी हो, हमारे लिए बस ये हो जाए, ऐसी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनते हैं। गूगल मीटिंग में सिस्टर आप प्रीच करें, देखिए गूगल मीटिंग में तो मैं करूँगी देखिए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये भी हो। बाकी ये है कि लाइव में अगर इस इंस्टाग्राम में आती हो तो आप लोग यहीं पर जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, अगर हमारे यीशु मसीह को सताया गया तो हमें भी सताया जाएगा, इसके लिए हमें डरना नहीं है। देखिए जो लिखा है ना कि वचन की हमें सब कुछ छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे चलना है, तो सब कुछ का मतलब है सताव भी आए तो उसे भी सह लेना है, दुख आए कुछ भी हो जाए। जब यूहन्ना को परमेश्वर ने कहा कि राजा को जा करके बोल देने के लिए, तो क्या वो यूहन्ना डरे थे? उनको तो पता था, आज कोई भी इंसान को अगर परमेश्वर अगर आपको बोले कि प्रधानमंत्री को जा करके ये बोल दे कि इसको ये करना गलत है, वो ये कर रहा है, कोई भी जाकर नहीं बोलेगा। क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति जो ऊंचे पद पर है, राजा या जो कोई भी हो, तो उसे बोलने से लोग डरेंगे, लेकिन यूहन्ना ने डरा नहीं। उन्होंने जो बोला, परमेश्वर ने जाकर के बोला किया, और इस तरह से यूहन्ना का गर्दन भी काट डाला गया। तो आप समझ सकते हैं कि एक जो यीशु मसीह के चेले, जो सब कुछ यीशु मसीह के लिए करने के लिए तैयार है, क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़ करके उनके पीछे हो लिया, वो अपना क्रूस उठा करके यीशु मसीह के पीछे हो लिया, क्योंकि क्रूस उठाना परमेश्वर दुख को दर्शाता है, और दुख नहीं आएगा तो सुख भी नहीं आएगा। एक ने लिखा है कि मेरे हस्बैंड के का दूसरी लड़की के साथ अफेयर है, तो मेरे लिए प्रार्थना करें। आप देखिए जरूर प्रार्थना तो करेंगे, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं आप भी प्रार्थना करें, परमेश्वर प्रार्थना को सुनते हैं, परमेश्वर उनके मन को बदलेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, सब कुछ हो सकता है परमेश्वर से। लोगों को दिखाती हूँ तो हाँ जी, एक ब्रदर है, उन्होंने कहा है कि वचन को सुनता तो मैं ध्यान से हूँ लेकिन चल नहीं पाता। यही आज हर कोई करता है, सुनने में सब लोग तैयार है लेकिन वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको आज बाइबल में 10 आज्ञाओं में से जो लास्ट आज्ञा थी, लालच नहीं करना, इस बारे में जो मैंने आज आपको बताया है, ये आपको लगेगा एक छोटी सी बात थी, लेकिन यही छोटी बात अगर आपके जीवन में आज पूरी होगी, अगर आप इस चीज़ को छोड़ देंगे, तो आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आप उनसे प्रेम रखेंगे। क्योंकि सिर्फ अगर आपके अंदर ये सोच है कि कोई छोटा सा तो पाप है, छोटा सा झूठ बोल दिया, छोटा सा लालच कर लिया, थोड़ा सा नफरत है मन में, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, हर एक आज्ञा का पालन करना हमें परमेश्वर का, जो आज्ञा उन्होंने दी है उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का देखिए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन हम कैसे कर पाएंगे? जब हमारे अंदर परमेश्वर का डर होगा, डर है तो आज्ञा का पालन ज़रूर करेंगे। और वो डर कब आएगा? वो डर तभी आएगा जब हम इस चीज़ को समझेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सारी बातें जब आपको समझ में आएंगी, अपने आप देखेंगे कि पाप भी आपके जीवन से दूर होगा, बीमारियां, परेशानी, सब कुछ आपके जीवन से दूर होंगी। एक ब्रदर ने कहा है, रोहित ब्रदर, कि मेरे सपने में सर्प आता है, सांप आता है। देखिए सांप आप जानते हैं, हर कोई जानता है कि बाइबल में सांप किसको दर्शाया गया है? शैतान, शैतान का रूप। परमेश्वर ने शैतान को ही श्राप दिया जो सर्प था, क्योंकि सांप ने ही आदम और हवा को बहकाया। तो जो अगर शैतान, जो ये दुष्ट है, जो अगर आपके सपने में आ रहा है, इसका मतलब कि शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है। आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, उस जो ड्रीम आपने देखा सपना, उसे कैंसिल करिएगा ताकि ऐसा सपने आपको ना आए।
और एक और है, मैं आपको जो बुरे सपने कुछ लोग बता रहे थे उसके लिए मैं आपको वचन बता देती हूँ। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, भजन संहिता 91 में 91 का 13 में जिस तरह से लिखा है, भजन संहिता 91 का 13 में लिखा है, तो सी और नाक को कुचलेगा तो जवान से और अजगर को लताड़ेगा। इसे आपको प्रैक्टिकली करें करना पड़ेगा। प्रार्थना में जब आप करेंगे जवान सी और अजगर को लताड़ना है, सिंह और नाक को कुचलना है अपने पैरों से, आप करेंगे प्रैक्टिकली, शैतान कोई भी आपको बुरा सपना नहीं दिखाएगा। अगर बुरा सपना आता है आपको उसे कैंसिल करना है यीशु मसीह के नाम से। हाँ जी बिल्कुल, ये जो एक ब्रदर ने कहा सेंट्री आर्ट कि जब बुरे सपने आते हैं तो सोते वक्त बोले कि यीशु मसीह का लहू मेरी आंखों में लग जाए, और तभी बिल्कुल आप जिस भी तरह से प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से सब कुछ हो सकता है। मे गॉड रिवील यू टू द अनबॉर्न पीपल एंड मेक यू फेमस अमंग द पीपल जस्ट एट इट इज रिटन दैट यू विल सरप्राइज मी ऑल्सो एंड यू मेक एंड मेक यू डू इवन ग्रेटर थिंग्स। आमीन। देखिए हमारे जीवन में सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, एक ही मोटिव होना चाहिए कि हम जो कुछ करें परमेश्वर के लिए, कि परमेश्वर की इच्छा पूरी होने पाए। ब्रदर मैंने आपको बताया कि अगर आप वचन सुनते हैं चल नहीं पाते हैं तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बता दिया है। आमोद लकड़ा ब्रदर कह रहे हैं कि सिस्टर आप क्या करते हैं, जॉब या स्टडी? मैं दोनों में से कुछ भी नहीं करती हूँ, सिर्फ कोशिश करती हूँ कि हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बनी रहूँ, बस यही। और मेरे हिसाब से देखिए हर कोई पाना चाहता है कि मुझे बड़ा जॉब मिले, इंजीनियर बनूँ, ये सब कुछ, लेकिन परमेश्वर के काम से बड़ा और कोई काम नहीं। वैसे कुछ भाई बहनों का शायद मैसेज ऊपर चला जा रहा है तो मुझे नहीं दिख रहा है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ऊपर चला गया तो मैं रिप्लाई नहीं की, कोई बात नहीं, आप मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। एग्ज़ाम आने वाले हैं तो प्लीज़ प्रेयर करिए कि मैं फर्स्ट आ सकूं। देखिए परमेश्वर तो अपने वचन में कहते हैं, व्यवस्था विवरण 28 का 8 में लिखा है, 8 में नहीं लास्ट में लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण में जितने आशीष के वचन है उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर पूछ नहीं परंतु सिर ही ठहराएंगे, आपको हर चीज़ में ऊंचे स्थान पर वो आपको रखेंगे। अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने आपको परमेश्वर ने पहला स्थान कब देंगे परमेश्वर आपको, जब आप उन्हें अपने जीवन में पहला स्थान देंगे। हाँ जी जरूर ब्रदर, मैं आकर आप लोगों को लाइव वचन शेयर करूंगी, और भी बहुत सारे परमेश्वर के वचन है जो आप लोगों को जानना चाहिए ताकि आत्मिक उन्नति होने पाए। देखिए जिस भी चीज़ को काम में आपका रुकावट आ रही है, कई बार हमारे कामों में रुकावट शैतान की ओर से भी होता है, परमेश्वर की ओर से भी होता है। वचन जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, आप अपने जीवन में देखें कि जो काम में रुकावट आ रहा है वो क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, क्या सचमुच आप परमेश्वर को समय दे पा रहे हैं। हमें कोई भी ऐसा जॉब, कोई भी ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि हम परमेश्वर को समय ना दे पाए। रोज़ आ करके लाइव बताओ, ठीक है ब्रदर, देखिए रोज़ तो लाइव आ सकती हूँ लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। एक ब्रदर ने कहा है कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, प्लीज़ दुआ करना। आपकी इच्छा है कि आप सिंगर बने, लेकिन अगर आप जो सिंगिंग कर रहे हैं, जो गाना गा रहे हैं, जो गीत गा रहे हैं, अगर वो परमेश्वर के लिए है, उनकी महिमा के लिए अगर आप वर्शिप कर रहे हैं तो बिल्कुल परमेश्वर आपको बनाएंगे, क्योंकि जब परमेश्वर की महिमा के लिए हम कुछ मांगते हैं वो हमें देते हैं। एक ब्रदर ने कहा है कि मैं दुष्टात्माओं से जकड़ा हुआ हूं तो मैं क्या करूं? देखिए अगर आप दुष्टात्मा आपके अंदर है, आप प्रार्थना करवाएं, परमेश्वर आपको आजाद करेंगे, डिलीवरेंस जरूरी है।
मनुष्य जो भी गलत करते हैं या बुरा करते हैं अपनी इच्छा से या प्रभु यीशु की इच्छा से होता है। देखिए, अगर हम लोग बाइबल जो वचन दिया हुआ है इसमें लिखी हुई बातें हैं, सारी आज्ञाएं हैं, वचन है, नियम है, इसका हम पालन नहीं कर रहे, जो भी अगर हम कर रहे हैं इन इसके विरुद्ध कर रहे हैं, मतलब पाप कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा से चल रहे हैं, तो ये परमेश्वर की इच्छा कैसे हो सकती है? ये तो हमारी इच्छा हुई कि हमें ये करना है काम। एक ब्रदर ने कहा है, विजय ब्रदर की सिस्टर आपका नाम क्या? वचन बहुत अच्छे से समझाते हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरा नाम आप आईडी में देख सकते हैं, सुसन्ना इक्का है, मैं न्यू दिल्ली से हूँ। और जो भी ये देखिए मैं इस काम को कर पा रही हूँ तो इसमें परमेश्वर की महिमा हो, सारी आदर महिमा परमेश्वर को मिले, क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और जिस तरह से एक और जगह वचन में कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हम इंसान सोचेंगे कि हम इस काम को कर ले, ये काम कर ले, पढ़ाई में आगे हो, नौकरी में अच्छा हो, सब कुछ में होगा, लेकिन वो कब होगा? जब हम परमेश्वर से जुड़े हुए रहेंगे। क्योंकि अगर हम परमेश्वर से अलग है तो उनसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम उनके वचनों में बने हुए, उनसे प्रार्थना करें, हर तरह से उनसे जुड़े हुए हैं, तो हम सब कुछ कर पाएंगे। मेरी दुआ है कि प्रभु आपको और ज़्यादा इस्तेमाल करे सिस्टर, आमीन। परमेश्वर आपको भी बहुत आगे बढ़ाए, जितने भाई बहन हैं सभी को परमेश्वर बहुत आगे बढ़ाए, और वो परमेश्वर की इच्छा आप लोगों के जीवन में पूरी हो सके। सिस्टर मेरी शादी अर्जुन जी से जल्दी हो जाए। देखिए, ये आपकी इच्छा है कि आप ये चाह रहे हैं कि मेरी शादी इससे हो जाए उससे हो जाए। आपको ये देखना है कि क्या ये परमेश्वर की इच्छा है। हर कोई आप सोचता है कि मेरा ये हो जाए, इससे हो जाए, शादी इससे हो जाए। अपने इच्छा से, अपने मन से चलने से नहीं होता। हमें अपने मन की नहीं सुनना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। तो आप सिस्टर, क्या नाम है? KH सिंह। जो भी है सिस्टर, आप देखिए इस बात का ध्यान रखिए, कभी भी परमेश्वर के लोग आपको गलत बातें नहीं बताएंगे, इसलिए जो वचन के अनुसार है वही मैं आपको बात बता रही हूँ। आप देखिए अगर वो परमेश्वर की इच्छा है, अगर आप ये चाह रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, इस तरह से परमेश्वर आपको देंगे, लेकिन हमें अपनी इच्छा पूरी नहीं करना है। सब कर्जा खत्म होगा ब्रदर, सिस्टर जो भी हैं सिस्टर। मेरा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है ब्रदर कि मैं इतने बजे ही लाइव आती हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं कभी भी, वैसे तो अभी मैंने सोचा इसलिए मैं लाइव आ पाई, परमेश्वर की इच्छा थी। परमेश्वर की इच्छा नहीं होती है तो कोई भी काम हम नहीं कर सकते, उनकी इच्छा होती है तभी हम ही कर पाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, जब तक परमेश्वर का टाइम नहीं होता तब तक वो हमें नहीं करना चाहिए होता है। ज़रूर प्रेम चौधरी ब्रदर, ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करूँगी। ठीक है, जितने भी भाई बहन हैं सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगी। ओके ठीक है, रुचिका सिस्टर आपके लिए भी। परमेश्वर देखिए हर तरह की बीमारियों से हमें छुड़ाते, आज़ाद करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा है, उन्होंने हमारी हर तरह की दुर्बलताओं को, बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया है। अब वो बोझ हमें, अब हमने बोझ को, जो हमारा जो बोझ उसे हमें परमेश्वर को दे देना है, उन्होंने हमारे लिए उठा लिया वो सब। इसलिए हमें ये महसूस नहीं करना है कि अब हमारे अंदर अभी ये बीमारी परेशानी, परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है। उपवास कैसे करें बताइए। देखिए इस ये सब एक ऐसा टॉपिक होता है जो बहुत डीपली इसमें जाना पड़ता है, पर मैं शॉर्ट में एक चीज़ आपको बता सकती हूँ कि जब भी आप उपवास करें तो हर एक लोग सोचते हैं कि मैं उसको बता देता हूँ, बताते रहते कि मैंने आज उपवास किया है, मैं ये नहीं खाऊँ। हमें किसी को नहीं बताना है, जब उपवास करना है सिर्फ परमेश्वर को पता होना चाहिए, क्योंकि हमें धर्म के काम में किसी भी मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं करना है, पर सिर्फ परमेश्वर को पता होना चाहिए। मुझे बच्चा नहीं है, 10 साल हो गया। ब्रदर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर बांझ को लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाते हैं। परमेश्वर आपको ज़रूर आपके जीवन में कार्य करेंगे,
और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम सभी को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। जितने भाई बहन इसमें कॉमेंट्स भी देख रहे हैं, जो लोग अपना प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर कर रहे हैं, आप लोग उनके लिए भी प्रार्थना करें। हमें सबके लिए करना है। सभी के लिए हमें करना है ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी होने पाए। सिस्टर मेरे के एच सिंह सिस्टर, जो भी इनका आईडी है, देखिए सिस्टर शायद आप मेरी बात को नहीं समझे, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि हमें अपनी इच्छा पूरी नहीं करना है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं मांगना है कभी भी परमेश्वर से। एक ब्रदर क्या कह रहे हैं, मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, कुमार सरजू। ब्रदर आप क्या करेंगे करोड़पति बनकर अगर आपके पास यीशु मसीह आपके साथ नहीं है? आप एक चीज़ सोचिए कि आपके पास आप सब कुछ है, धन दौलत पैसा जमीन जो भी आपकी ज़रूरत है वो सब कुछ आपके पास है। आपको मैं एक उदाहरण बताती हूँ वचन से। सुलेमान राजा को परमेश्वर ने क्या मांगा था? सुलेमान ने कि सिर्फ मुझे बुद्धि चाहिए। परमेश्वर ने बोला कि जो तुम मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन सुलेमान राजा कुछ और भी मांग सकता था, लंबी आयु मांग सकता था और भी बहुत कुछ, लेकिन उसने सिर्फ बुद्धि मांगा और परमेश्वर ने उन्हें धन दौलत इतना दिया कि उतना अमीर व्यक्ति आज तक भी कोई नहीं हो सकता है, ना कभी था ना है ना होगा आगे कभी भी, जितना अमीर सुलेमान राजा था। तो परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन क्या हुआ, वो पाप में गिर गया। इसलिए अगर हमारे साथ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें परमेश्वर से दूर कर देंगी, हम पाप में गिर जाएंगे, तो उन चीज़ों का होना भी ज़रूरी नहीं है, वो मायने नहीं रखता है हमारे जीवन में। अगर हमारे साथ परमेश्वर हैं तो इसका मतलब सब कुछ है, अगर वो नहीं है तो इसका मतलब क्या है फ़ायदा हमारे पास सब कुछ होने का। तो बस यही है ब्रदर। और स्किन प्रॉब्लम है 6 महीने से, कोई बात नहीं, स्किन प्रॉब्लम हो सब प्रॉब्लम से आज़ाद होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कोढ़ियों को भी चंगा किया है, हर तरह की बीमारियों से सबको फ्री किया है। और एक ब्रदर ने जो लिखा, रोहित सिंह, की पाप मुझसे दूर नहीं होता। आप मेरा यूट्यूब चैनल है एक, अगर जिस किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि यूट्यूब चैनल है मेरा, सर्च कर सकते हैं आप, मैं आपको लिंक भी बता देती हूँ। पैसे वालों के का राज्य में कोई जगह नहीं है, परंतु गरीब का है, एंड जो परमेश्वर को मानता है, जो कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा उनके लिए ही सब कुछ हो पाएगा। ज़रूर ब्रदर, देखिए आप हारमोनियम बजाना चाहते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, अगर उनके लिए तो ज़रूर सब इंतज़ाम परमेश्वर करने वाले हैं। तो बस मैं इस लाइव वीडियो में मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। सिस्टर कह रही हैं शायद कि मैं बाइबल पढ़ती हूँ पर मुझे समझ नहीं आता है। देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बाइबल हर कोई पढ़ता है, बाइबल हर कोई पढ़ेगा, लेकिन समझ क्यों नहीं आता? अगर आप चाहते हैं कि बाइबल को पढ़े आप समझ सके, तो वो तब तक ऐसा नहीं होगा कि आप समझ पाएंगे बाइबल में लिखी हुई हर एक बातों को। अगर परमेश्वर की ओर से आपको बुद्धि नहीं मिलेगा, स्वर्गीय बुद्धि स्वर्गीय ज्ञान, तो आप नहीं समझ सकते बाइबल के वचनों को। पवित्र आत्मा की हेल्प लीजिए, पवित्र आत्मा आपको हर एक वचनों को बताएंगे सिखाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर ने हमें सहायक दिया है। तो ठीक है, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और अगले बार जब मैं लाइव आऊंगी तो आप मसीह भाई बहनों आपको मैं लाइव में जोड़ लूंगी। जो एक सिस्टर है हरियाणा भिवानी से शायद, तो उनके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगी, उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट बोला है। ठीक है, बाइबल पढ़ने से पहले क्या प्रार्थना करें? ज़रूर बाइबल पढ़ने से पहले आप प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की मदद लें। कोई भी आप काम करते हैं, जो काम आपसे नहीं होगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको क्यों दिया है? वो हमारा सहायक, वो हमारा हेल्पर है, तो आप उनसे हेल्प लीजिए, आपकी मदद करेंगे। अगर आप प्रार्थना नहीं कर पाते, पवित्र आत्मा की मदद लीजिए। बाइबल नहीं पढ़ पाते, सब कुछ बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना करना ज़रूरी है। हर काम करने से परमेश्वर करने से पहले परमेश्वर को याद करें। जो काम हम यहोवा को याद करके करते हैं तो वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालते हैं।
ठीक है, आपके गले में जो भी प्रॉब्लम है प्रार्थना करेंगे ब्रदर। अब परमेश्वर की उपस्थिति में एक गाना गाएंगे। आप लोग मुझे बता सकते हैं अगर कमेंट करके कि कौन सा गाना मैं गाऊं, तो ज़रूर उस गाना को गाएंगे ताकि परमेश्वर की स्तुति हो, उनकी महिमा हो, उनकी प्रशंसा हो। अगर वो सॉन्ग मुझे आता होगा तो मैं ज़रूर गाऊंगी। गॉड ब्लेस यू टू सिस्टर। देखिए पंजाबी सॉन्ग तो मुझे नहीं आता है, हिंदी सॉन्ग्स में परमेश्वर की महिमा के लिए गा सकते हैं। चलिए गाना गाते, परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुकी आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुकी आसमान और हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। परमेश्वर की स्तुति हो, धन्यवाद हो उनका। परमेश्वर जितने भी भाई बहन जुड़ रहे सभी को भरपूरी से आशीष दे और संभाल कर रखे। परमेश्वर आप सभी को अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेर कर रखे, अपने कीमती लहू के द्वारा छुपा के रखे ताकि शैतान का कोई भी दांव आप पर चलने ना पाए। ज़रूर सिस्टर, श्रुति नाम है शायद, MS, ओके, प्रेयर करूँगी आपके लिए। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूँ, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। परमेश्वर सभी लोगों को आशीष दे।
और बहुत आगे बढ़ाए, आप सभी की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके, आत्मिक उन्नति। तो ठीक है, सभी भाई बहनों को आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल, परमेश्वर सभी को आशीष दे। और मैं एक बार प्रार्थना करके एंड करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने हमें ये सुंदर समय दिया कि हम सभी भाई बहन एक साथ मिल करके आपकी स्तुति कर पाए, आराधना कर पाए, आपके साथ जुड़ पाए, क्योंकि आपने हमें यह सुंदर अवसर दिया। यदि आपकी इच्छा नहीं होती तो ये पूरा नहीं होता, परंतु सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार हुआ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपकी स्तुति महिमा युगानुयुग हमारे मुख के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा होती रहे, हमारे हर तरह से कामों के द्वारा आपकी महिमा होने पाए, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए। जितने भाई बहन आज इस लाइव में जुड़े, आपके वचनों को सुने, वो सभी आशीषित होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और आपका हर एक वचन लोगों के जीवन में कार्य करे और इनकी आत्मिक उन्नति होने पाए। जो कुछ इन्हें परमेश्वर आपके रास्ते में आगे बढ़ने से रोकता है, उन सारे रुकावटों को मैं दूर करती हूँ। और शैतान का जो भी प्लान है इनके लाइफ में, उसे मैं कैंसिल कर देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो इन्हें बुरे सपने आते हैं, वो भी कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो भी इनके शादी को लेकर के कोई परेशानी है या फिर कर्जे को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम है, वो इनकी लाइफ से दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे पिता, ये आपके लिए, ये आपके लिए दुख उठा करके आपके पीछे हो सके, ये अपना क्रूस उठा करके आपके पीछे हो सके और दुखों को सहने वाले बनने पाए। आप इन्हें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, साहस दे कि ये दुख और परेशानियों का सामना करके आगे बढ़ सके, आपके प्रेम को समझने पाए और आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी होने पाए। और आपका प्रेम, करुणा, अनुग्रह, दया हम सभी के जीवन में, सभी मसीह भाई बहनों के जीवन में युगानुयुग बनी रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। चलिए ठीक है, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।